Hi, my name is Adnan Shakil and I absolutely love 13 Reasons Why. But why? Iske piche bahut sare reasons hai. And we are gonna take a lot of them one by one. 13 Reasons Why ek aisi Netflix series hai jo ki ek teenage situation par based hai. To aaj hum baat karenge what is the actual reasons that leads to the suicide of Hannah. And agar aapne series abhi tak nahi dekhi hai to aap jaakar pehle dekh lein kyunki iske andar bahut sare spoilers ho sakte hain. So yeah, spoiler alert. सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि इस वीडियो के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, ताकि आपको इजी हो जाए समझने में. वीडियो के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं क्ले, हैना, जस्टिन, जेसिका, जैक, टोनी, एलेक्स, ब्राइस, टाइलर, मॉन्टी, कोटनी, मार्कस, जेफ, शेरी. नाउ अब हम सबसे पहले हैना को समझते हैं. 13 रीजंस वाई में हैना ही वो कैरेक्टर है जिसके अराउंड स्टोरी चलती है. सारे इंसिडेंट्स को हैना के नजरियो से दिखाए गए हैं. हैना एक नॉर्मल टीनेज लड़की है जिसके गोल्स तो कुछ खास नहीं है, पर वो अपनी हाई स्कूल की लाइफ एंजॉय करना चाहती है. वो बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, पार्टी करना चाहती है, घूमना चाहती है और बाकी हर टीनेजर्स की तरह पॉपुलर भी होना चाहती है. पर अगर मैं बोलूँ कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि इन सब का उल्टा हुआ, तो हैना के साथ एक भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो उससे खुश कर सके. एक भी चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, बल्कि बैक टू बैक हालात बिगड़ते हैं. इस वीडियो में हम एक एक करके वो सारे पार्ट्स डिसेक्ट करेंगे कि व्हाट लेड हैना टू हर ब्रेकिंग पॉइंट. सो पहला एपिसोड जो कि है एक लड़के जस्टिन फोले के बारे में. वो काफी पॉपुलर है, हैंडसम है, उसका ग्रुप बहुत फेमस है, बास्केटबॉल प्लेयर है, इन शॉर्ट वो सब जो कि एक लड़की को चाहिए. कहानी शुरू होती है एक पार्टी से जहां जस्टिन को हैना पहली बार देखती है और उसको उसकी स्माइल से अट्रैक्शन हो जाता है. यहां तक सब सही जा रहा होता है. सो हैना और जस्टिन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और हैना का क्रश जस्टिन पर आ जाता है. जस्टिन भी हैना को पसंद करता है और ऐसे ही करते करते वो दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बात करने लगते हैं, धीरे धीरे मिलने लगते हैं और एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हैंग आउट करेंगे. हैंग आउट करते टाइम जस्टिन उसकी एक फ़ोटो ले लेता है, एक नेकेड फ़ोटो, और अगले दिन जस्टिन वो फ़ोटो लीक कर देता है. सोचो तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है और तुमको इजी गर्ल का लेबल मिल गया एंड नाउ यू आर अफ्रेड हाउ एवरीवन सीज यू. तुम्हारा कॉन्फिडेंस सीधा सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है और यही चीज हैना के साथ होती है, और वो भी एक बड़े लेवल पर. ये पहला इंसिडेंट जिससे हैना टूटती है. या हैना की क्या गलती है? उसकी गलती है भरोसा करना, और वो यही गलती करती रहती है. हैना लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती है. लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे कि वो दिखते हैं. जल्दी ट्रस्ट कर लेना अट्रैक्शन के बेसिस पर ज्यादा टीनेजर्स की अपनी लाइफ में यही गलती रहती है, चूजिंग द रॉन्ग पार्टनर. और ये गलती ना तो सिर्फ आपकी रेपुटेशन बल्कि आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब कर सकती है, और हैना के साथ यही दोनों चीजें हुई. हैना शुरुआत में काफी स्ट्रांग लड़की है तो वो इस इवेंट से मूव ऑन कर जाती है, बट वॉट फॉलोज हर इज द बैड रेपुटेशन. और जब ऐसा होता है द गुड पीपल स्टार्ट्स टू मूव अवे and wrong ones start closing. There you go. Did you just... Oh no, I didn't... Episode 2. भरोसा. ये बहुत बड़ा शब्द है. किसी पर भरोसा करना या तो आपको सुकून देता है या आपका सुकून छीन लेता है. आप किसी पर भरोसा करके किसी को कुछ बताओ और आपका वो राज सबको पता चल जाए तो आपको अपने भी चुभने लगते हैं. एपिसोड 2 में चीजें ठीक हो जाती हैं. हैना के नए दोस्त जेसिका और एलेक्स बन जाते हैं. सब नॉर्मल होता है. जेसिका और एलेक्स खुद बोलते हैं कि जस्टिन के बारे में भूल जाओ. Fuck Justin. Yeah, you don't even have to talk about it. Ever. और वो लोग भी दोगले होते हैं. सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती है जब आप किसी को अपना मानो और वो भी बाकियों की तरह दोगले निकले. एंड हैना की फिर से वही गलती, भरोसा करना. एलेक्स और जेसिका रिलेशनशिप में होते हैं, इस वजह से हैना से दोस्ती तोड़ देते हैं और एलेक्स खुद ही जस्टिन का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है. फिर एलेक्स एक लिस्ट बनाता है जिसके अंदर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में लिखा होता है और उसके अंदर हैना और जेसिका दोनों का नाम भी होता है, और इससे जो अफवाह कम होनी चाहिए थी उस अफवाह को आग मिल जाती है और लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं. उसी लिस्ट की वजह से जेसिका और एलेक्स का ब्रेकअप हो जाता है और जेसिका इसका कसूरवार पहले से टूटी हैना को समझती है, और जेसिका हैना को उसके मुंह पर स्लट बोलकर उसको थप्पड़ मार देती है. Enjoy it, because you will, won't you? Because that's what sluts do. Fuck you. और इधर हैना
को दूसरी बार धोखा मिलता है और एक बार फिर बैड रेपुटेशन। एपिसोड 4। अगला इंसिडेंट हैना के लिए और भी इंपैक्टफुल होता है। हैना के साथ कुछ अजीब इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। वो नोटिस करती है कि कोई उसकी फोटोज ले रहा है जब वो अपने क्लोथ्स चेंज कर रही होती है, और वो ये चीज कोर्टनी को बताती है जो कि उसकी दोस्त होती है। हैना और कोर्टनी उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, पर वो दोनों बहक जाते हैं एंड दे स्टार्ट किसिंग ईच अदर। एंड ऐसे में ही वो स्टॉकर उसकी फोटो खींच लेता है। एंड व्हाइल कोर्टनी क्लियरली डिडंट हियर माय स्टॉकर अराइव, आई डिड। आगे आकर एपिसोड में पता चलता है कि वो टाइलर होता है, जो कि स्कूल का ही स्टूडेंट है। वो हैना और कोर्टनी की किसिंग फोटो लीक कर देता है। एंड नाउ कम्स द रियल पार्ट, कोर्टनी लेस्बियन है। ये चीज छुपाने के लिए वो हैना के बारे में झूठ बोल देती है। एंड एट द प्रॉम नाइट, जो कि हैना के लिए सबसे स्पेशल नाइट होती, वो उसकी एक वर्स्ट नाइट बन जाती है। हैना एंड क्ले डांस कर रहे होते हैं एंड तभी मोंटी आता है और हैना के सामने वो रूमर्स बताने लगता है। वो रूमर ये थी कि हैना ने ही जस्टिन और कोर्टनी से थ्रीसम करने के लिए पूछा था। एंड हैना उस टाइम ऑकवर्ड फील कर रही होती क्योंकि क्ले पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। एंड अब इससे हैना अंदर ही अंदर धीरे धीरे मरने लगती है। अब तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, ऑल ऑफ देम लेड टू जस्ट वन वर्ड, स्लट। हैना अपने क्लासरूम्स की नजरों में अब वही है, एक ऐसी लड़की जिसे अप्रोच करना आसान है एंड वू कैन हैव सेक्स विद एनीवन। हालांकि इतना सब होने के बाद भी हैना बिलीव करती है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उसकी ये स्लर्ट फॉर्म्ड इमेज की र्यूमर सिर्फ गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करती है, जिसे उसको सिर्फ गलत एक्सपीरियंसेस ही मिलती है। नाउ मार्कस उन्हीं र्यूमर्स और चेन ऑफ इवेंट्स की अगली कड़ी है। हैना के पास अब कोई फ्रेंड्स नहीं है। ऐसे अकेलेपन की हालत में वो किसी से बात करना चाहती है, वो किसी को समझाना चाहती है, वो चीजों को बदलना नहीं बल्कि उनको ठीक करना चाहती है। और इसी वजह से वो भरोसा करती है। वो सोचती है कि काश कोई आएगा, उसकी बात समझेगा, पर ये लोग चीज कहां समझ पाते हैं। नाउ मार्कस, जो कि जस्टिन के ग्रुप का एक और लड़का है, अब एक रेस्टोरेंट में आता है जिसके अंदर हैना ऑलरेडी शेक पी रही होती है। वो लिस्ट याद है जिसके अंदर हैना के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र था, वो ही इस इंसिडेंट को बढ़ावा देता है। मार्कस हैना की सीट पर बैठता है और रैंडम स्टफ के बारे में बात करने लगता है। डार्क फेस में रोशनी ढूंढती हुई हैना मार्कस के अंदर अपीलिंग देखती है, और फिर वही चीज, मार्कस झूठी हमदर्दी देता है सिर्फ उसको पटाने के लिए। धीरे धीरे वो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर टच करने लगता है, और जैसे ही हैना रोकने की कोशिश करती है, वो उसे जबरदस्ती करता है। Seriously, Marcus? Wait, you're such an asshole. Come on. No. Wait, don't be like Stop that. It. No, get off me. Don't touch me. Get off. हैना उसको धक्का देती है और उसको गिरा देती है, और तभी उसकी ईगो हट हो जाती है। उसकी मैनलीनेस पर बात आ जाती है कि कैसे उसको रिजेक्शन मिल गया, वो भी एक स्लट से। लिटरली मार्कस सीरीज के अंदर ये बोलता है कि उसे लगा था कि उसे पटाना आसान होगा। Thought you were easy. और ये चीज अब हैना को और हर्ट कर देती है। मतलब वो ये टाइम सोचती है कि हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है, और लिटरली वो ये चीज अपने दिमाग में रखती है। सो मार्कस की इस बेहुदा हरकत के बाद अगली घटना एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसकी इंटेंशन बुरी नहीं होती है, पर वो बेचारा फालतू में ही फंस गया। नाउ एपिसोड 7। इस एपिसोड में जो स्टोरी है वो एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है जैक। सो जैक हैना को देखता है, वो हैना से लिटरली में प्यार करता है, वो हैना से बहुत अट्रैक्ट होता है, और वो चाहता है कि वैलेंटाइंस डे के अंदर हैना उसकी पार्टनर बने। सो मार्कस के जाते ही उसी रेस्टोरेंट में जैक भी होता है। जैक हैना की सीट पर बैठता है और वो हैना को चुप कराने की कोशिश करता है, वो उल्टी सीधी हरकतें करता है ताकि हैना जो है वो अच्छा महसूस करे। जैक अगले दिन जाता है और हैना को अप्रोच करता है उसके साथ वैलेंटाइन पार्टनर बनने के लिए, लेकिन हैना के दिमाग में ऑफकोर्स वही चीज़ होती है कि वो एक ईजी गर्ल है, इसलिए शायद जैक उसके पास आया है उसे पटाने के लिए, जैसे कि मार्कस ने किया था। लेकिन जैक की इंटेंशंस बुरी नहीं होती है, लेकिन हैना इस चीज को तब समझ नहीं पाती है और हैना उस पे जोर से चिल्ला देती है। बेवकूफ हो। मतलब ऐसा क्या बोला मैंने? तुम्हें पता भी नहीं है तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें बस कॉम्प्लीमेंट दिया। जैक, जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम्हारा सारा गुस्सा मार्कस पे है, पर मैं जैक, जाओ। प्लीज मुझे एक बार मौका दो। मैंने कहा ना, जाओ। जिसके वजह से सब लोग जैक को देख रहे होते हैं और जैक घबरा जाता है।
हैना देखती है कि जो उसकी हालत है वही जैक की हालत है, उसके ग्रुप में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं एंड मतलब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि हैना रिलेट कर पाती है। तो हैना एक सॉरी लेटर देती है जिसके अंदर वो अपने सारे इंसिडेंट्स जैक को बताती है। हैना स्टॉक कर रही होती है जैक को कि कब वो पढ़ेगा और उसका रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन जैक उस चिट्ठी को पढ़कर फेंक देता है। लेकिन मैं कितना गलत सोच रही थी, ऐसा क्यों किया जैक, मेरे साथ ही क्यों? और हैना उस चीज से और ज्यादा हर्ट हो जाती है। लेकिन जैक जो असल में वो चिट्ठी फेंकता है वो दूसरी चिट्ठी होती है। जैक जो है वो डर जाता है और उसको तब समझ नहीं आता कि क्या करना है एंड ऐसे में जैक फालतू में ही फंस जाता है। सीरीज के आगे पार्ट में जैक जो है वो चिट्ठी क्ले को दिखाता है कि वो जो चिट्ठी है वो उसके पास अभी तक है। सो जैक वॉज एक्चुअली नॉट गिल्टी बट हैना ने उसको अपनी टेप में जबरदस्ती डाल दिया था, वो भी सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। सो एपिसोड 8, एक टीचर जिंदगी में कई बड़ी चीजों को जन्म देता है। टीचर उन हिस्सों को उभारने में मदद करता है जो कि आपके सबसे वीक है, लेकिन क्या हो जिस टीचर पे आप भरोसा करते हैं, जिस टीचर को आप अपने सारे राज बताते हैं और वो टीचर आपके सारे राज बाहर निकाल दे तो? एग्जैक्टली। हैना एक पोएट से मिलती है जिसका नाम होता है रायन। सो हैना चाहती है कि वो अपने सारे इंसिडेंट्स कविताओं के जरिए बाहर निकाले और ऐसे में वो लिखना चाहती है और वो सीखना चाहती है रायन से। सो रायन हैना की पर्सनल डायरीज में से सारी पोएम देखता है और उसको एक पोएम मिलती है जो वो चाहता है कि वो पब्लिश करे, लेकिन हैना उसको मना करती है क्योंकि हैना जानती है कि वो चीज़ उसकी पर्सनल चीज़ है और वो नहीं चाहती कि वो पोएम बाहर जाए। लेकिन रायन फिर भी वो पोएम लेकर पब्लिश कर देता है और जैसे ही हैना स्कूल में जाती है सब कुछ वैसा ही होता है जैसा उसके साथ पहली बार हुआ था। वो पोएम पढ़कर हर कोई यही सोच रहा होता है कि ये पोएम हैना की है और सब लोग उस पोएम का हैना के सामने मजाक उड़ा रहे होते हैं और साथ ही हैना का भी। सो इस चीज से ये पता चलता है कि अगर कुछ भी बुरा होता है या फिर अगर कुछ भी बुरी चीज होती है तो सबका ध्यान सिर्फ एक ही लड़की पर जाता है और वो है हैना। अगर कभी भी कुछ भी गलत सिचुएशन होती है तो सबका सबसे पहला पर्सपेक्टिव यही होगा कि ये चीज जो है वो हैना ने की है। तो इससे यही पता चलता है कि हैना अब बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुकी है। अगला एपिसोड उसके बारे में है जो कि हर वक्त इन इंसिडेंट्स के बीच में होता है पर मैंने आपको बताया नहीं। वो हर पल हैना को टूटते हुए देखता है पर वो कुछ कर नहीं पाता और उसका नाम है क्ले जेंसन। हैना खुद बोलती है कि सबसे बड़ा गुनाह देखने में है। क्ले एक ऐसा लड़का है जिसे हैना पसंद करती थी। क्ले एक नॉर्मल लड़का है, उसे कोई फिक्र नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। क्ले को लड़कियों के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, वो जस्टिन ब्राइस इन सब से अलग था। क्ले हैना को समझ नहीं पाया। जब हैना क्ले से वो प्राइवेट लिस्ट के बारे में बात करती है तो क्ले उसको समझ नहीं पाता और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि ये सब नॉर्मल है। खैर ये इंसिडेंट हैना को ब्रेक तो नहीं करती पर ये इंसिडेंट का सीन इज द मोस्ट पावरफुल सीन इन द सीरीज। सो हैना और क्ले जैसिका की पार्टी में होते हैं। सो हैना अकेली होती है और तभी वहां पर क्ले आता है। क्ले और हैना दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं और तभी वो डिसाइड करते हैं दोनों को किस करने की एंड देन दे स्टार्ट यू नो किसिंग। एंड उसके बाद हैना को उसकी सारी फ्लैशबैक यानी उसके जितने भी नाइटमेयर्स है, जस्टिन का इंसिडेंट और जितने भी प्रीवियस इंसिडेंट है, वो उसको धीरे धीरे याद आने लगते हैं। मुझे वो सारे लड़के याद आने लगे। बताया कि जस्टिन ने तुम्हें पूरी तरह से सैटिस्फाई किया। मैं बस इंतजार करता रह जाऊंगा। तुम्हारा नाम उस लिस्ट में है, उसमें लिखा तो है कि तुम्हारे। उसने बताया कि जस्टिन ने तुम्हें पूरी तरह से सैटिस्फाई किया और तुमने। और वो सब मुझे तुम में दिखने लगे। मैं बस इंतजार करता रह जाऊंगा। मुझे लगा तुम आसानी से मान जाओगे। लिखा तो है कि तुम्हारे जस्टिन ने तुम्हें पूरी तरह से सैटिस्फाई किया और तुमने। बस करो। उसे क्ले का हर एक टच उस हर गलत टच की तरह फील होता है जो लोगों ने उसे स्लट समझ के किया और उसके बाद हैना क्ले के ऊपर चीख पड़ती है। क्ले उसे समझाने की कोशिश करता है पर हैना उसे चीख कर जाने को बोलती है। हैना सोचती है कि क्ले को नहीं जाना चाहिए था। अंदर ही अंदर हैना जानती है कि क्ले ने गलत नहीं किया। क्ले एक ऐसा लड़का था जो हैना की दिल से परवाह करता था। हैना के जाने के बाद क्ले ने भी सबसे ज्यादा सफर किया एंड ऑफकोर्स एक्सक्लूडिंग हर पेरेंट्स। क्ले अपनी चॉइस का रिग्रेट करता है। वो सोचता है कि काश अगर उस रात वो नहीं जाता तो आज हैना जिंदा होती और ये चीज सीरीज में सबसे पावरफुल सीन के साथ दिखाया गया है। आई एम नॉट गोइंग एनीवे, नॉट नाउ, नॉट एवर। I'm not going. Not now. Not ever.
अभी तक की इंसिडेंट्स जो हुए हैं वो एक टीनेज लेवल पर हैं। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी नॉर्मलाइज हैं, पर अब आगे जो इंसिडेंट्स हैं वो एक एडल्ट लेवल के इंसिडेंट्स हैं। अब वीडियो एपिसोड वाइज नहीं बल्कि सारे इंसिडेंट्स को एक साथ कवर करेगी। ये इंसिडेंट्स टीनेज एज में झेलना बहुत मुश्किल है, इवन एक्सपीरियंसिंग वन ऑफ देम कैन ट्रॉमेटाइज यू फॉर लाइफ। और हैना ने तो इतना सब एक साथ सहा, शी वॉज बाउंड टू ब्रेक। ये बोझ उसकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हो गया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। रेप ऑफ जेसिका। जेसिका का रेप एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट है जो कि सीरीज में दिखाया गया, एंड इट वॉज विटनेस्ड बाई हैना। रेप एक बहुत बड़ी चीज है, एंड टीनेज लेवल में ये चीज तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जब आपके ही दोस्त एक रेप विक्टिम हो। आफ्टर द मोमेंट ऑफ क्ले एंड हैना, क्ले जब चला जाता है तो ब्राइस एंड जेसिका आते हैं। जेसिका वॉज ड्रंक एंड वो सोचती है कि उसके साथ जस्टिन है, पर असल में उसके साथ ब्राइस होता है। ब्राइस स्टार्ट डूइंग सेक्स विद जेसिका एंड हैना वो होते हुए देखती रहती है, एंड यही वो सबसे मेजर इंसिडेंट है जो हैना विटनेस करती है। द नेक्स्ट इंसिडेंट, डेथ ऑफ जेफ। किसी मौत का कसूरवार होना, वो भी अपने दोस्त का होना, कैसा लगेगा? जिंदगी भर घुटन होगी, आप अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाओगे कि आप जिंदा ही क्यों हो, सब कुछ आपकी ही गलती थी। आप सोचते कि शायद अगर उस दिन या उस रात ऐसा ना करते तो शायद वो आज जिंदा होता। नाउ हियर कम्स द सेकंड मेजर इंसिडेंट जो कि एक टीनेजर आसानी से डील नहीं कर सकता। हैना आफ्टर एक्सप्लोडिंग ऑन क्ले एंड विटनेसिंग द रेप ऑफ जेसिका अकेले होती है, तभी उसको शेरी मिलती है एंड शेरी ऑफर करती है एक लिफ्ट। शेरी एंड हैना दोनों कार में बैठते हैं एंड बीच रास्ते में ही उनकी टक्कर स्टॉप साइन से हो जाती है। हैना इसको रिपोर्ट करने को कहती है लेकिन शेरी मना कर देती है। एंड नाउ अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसे भी वो साइन नहीं देखेगा उसका एक्सीडेंट होगा, एंड बैड लक इस चीज का विक्टिम बनता है जेफ। जेफ वॉज ड्रंक बट स्टिल इन हिज सेंसेस एंड वो उसी रूट को फॉलो करता है, एंड देन उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही डाइज। और उसकी मौत की रिस्पॉन्सिबल हैना खुद को मानती है। अब इंसिडेंट्स और भी डार्क होने लग जाते हैं, एंड उसके बाद हैना ने जो किया वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो सकता है। सो कुछ दिन बाद हैना सोचती है कि वो क्ले को सच बता दे, एंड वो क्ले के पास उसी थिएटर पर जाती है जहां वो काम करती थी। हैना जब गाड़ी से बाहर निकलती है तो घर के पास यानी घर के फाइनेंस वो गाड़ी के ऊपर रख देती है। वो क्ले के पास जाती है पर उसे सच नहीं बता पाती। देन वो नोटिस करती है कि उसके पैसे चोरी हो जाते हैं, एंड देन वो ये सोचकर घबरा रही होती है कि अब आगे क्या होगा। जब वो घर पहुंचती है एंड पेरेंट्स को बताती है तो ऑफकोर्स उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे होते हैं, एंड इस टाइम हैना ऑलरेडी अपने डार्क फेस से गुजर रही होती है एंड उसको ये छोटी छोटी बातें भी चुभने लगती है। वो ये सोचती है कि वो किसी चीज़ की एसेट ही नहीं है, एंड ऊपर से उसने ऐसे इंसिडेंट्स विटनेस किए हैं जो कि उसके अकेले के लिए झेल पाना मुश्किल है। आफ्टर दैट वो रात को फॉर अ वॉक जाती है, वो अंदर से ख़त्म हो चुकी होती है, उसके काबू उसका ऊपर से जा चुका होता है, एंड वॉक करते करते वो एक मैंशन पर पहुंचती है जहां पार्टी हो रही होती है। उसका काबू उसके बॉडी पर से उठ जाता है और वो उस मेंशन के अंदर चली जाती है। देन पता चलता है कि वो मेंशन ब्राइस का है। वो ब्राइस के साथ हॉट टब में बैठती है, एंड देन ब्राइस हैना के साथ सेक्स करने लगता है। वो उसका रेप कर रहा होता है, एंड हैना सुन हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाती, हैना अंदर से अब कंप्लीटली मर जाती है। उस टाइम जितना उसे अकेला और हेल्पलेस फील किया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। वो मदद के लिए अपने टीचर के पास जाती है, काउंसिलर के पास जाती है, पर कोई भी मदद नहीं कर पाता। एंड शी डिसाइड टू एंड अ लाइफ। वो ब्लेड लेती है एंड अपने दोनों हाथ काट लेती है, एंड शी डाइज। हैना जो कि एक ऐसी लड़की है जो अपनी टीनेज लाइफ एंजॉय करना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी, उसकी स्टोरी कुछ इस तरह खत्म होती है। सीरीज देखते वक्त आप क्ले और हैना से कंप्लीटली जुड़ जाते हैं, एंड दैट्स वाई ये सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट है। आपको नहीं पता होता कि कभी कभी आपके छोटे छोटे मजाक, आपकी ये छोटी सी चीजें, आपका ये खुद का एंटरटेनमेंट किसी की जिंदगी इस तरह खराब कर सकता है। देखो एक चीज याद रखना, लाइफ इज हार्ड, इट इज सुपर हार्ड। तुम कई तरह के बोझ, रिग्रेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ट्रॉमास को साथ लेकर जीते हो। मे बी तुमको अभी फील ना हो, बट एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू विल डेफिनेटली रियलाइज हाउ हार्ड लाइफ कैन रियली गेट। अलग अलग लोगों के लिए वो फेज अलग अलग समय पर आ सकता है, और मेरे ख्याल से यही वो फेज होता है जिसके बाद तुम में मैच्योरिटी आती है। ये सेंस आती है कि दूसरी भी कई चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो हमें उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र और मुश्किल नहीं बनाना है। मस्ती मजाक करो, हर तरह का करो, लेकिन दूसरे लोग उससे कैसा फील करते हैं उसका भी ध्यान रखो। ऑलवेज हैव द काइंड एंड ऑफरिंग हेल्प नेचर। और मदद नहीं भी कर सकते तो ना सही, लेकिन दिल में उदारता तो रखी जा सकती है ना। बिकॉज काइंडनेस कैन एक्चुअली सेव दिस वर्ल्ड, एंड दैट इज़ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ये चैनल की पहली वीडियो है, ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर दीजिए। आप अपने सजेशंस मुझे DM में दे सकते हैं या फिर आप इस कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अदनान शकील दिस साइड साइनिंग ऑफ।